हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं ये महिंद्रा ट्रियो इलेक्ट्रिक ऑटो का जो DTA डिस्प्ले है, इस पर जो ये बैटरी का सिंबल है वो कंटिन्यूसली शो कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इसे चाबी से ऑन ऑफ दोनों करके देख चुका हूँ, फिर भी ये डिस्प्ले में कंटिन्यूसली शो कर रहा है। दोस्तों जो बैटरी का सिंबल है आप देख सकते हैं, जो बैटरी का सिंबल है वो कंटिन्यूसली शो कर रहा है, चाहे चाबी ऑन हो या ऑफ हो, मगर फिर भी ये कंटिन्यूसली शो कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी का जो सिंबल है। दोस्तों इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो ऑटो है ना ही आगे जा रही है, ना पीछे, ना फॉरवर्ड हो रही है, ना रिवर्स, तो इसका एक्सेलेटर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। दोस्तों कल रात को मैंने चार्जिंग पर लगाया था इसको, सुबह जब मैंने गाड़ी चालू करने की लिए चाबी ऑन की तो ये सिंबल कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरी देखिएगा, इस वीडियो को ज़रा भी वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं आपको इसमें कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ, अगर आप ये गाड़ी ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो आपके ये बहुत काम आएगी। शायद ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी कभी आए तो इससे आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत कीजिएगा, आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इससे क्या करना चाहिए, फर्स्ट आप ये चेक कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप जब शोरूम को लेके जा सकते हैं गाड़ी को, किसी का शोरूम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर हो सकता है, तो दोस्तों तब परेशानी आती है कि गाड़ी को टोचन वगैरह चार्ज करके लेके जाना पड़ता है। तो आप उससे पहले ये काम करके देखिए, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, नहीं होती है तो तब आप शोरूम को लेके जा सकते हैं इसको। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वरना आप ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखिएगा, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, शायद आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम में अगर आप कभी फंसेंगे तो आप शायद आप इस वीडियो को देखकर अपनी गाड़ी को ठीक कर सकें, शायद इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, आप देख सकते हैं जो ये DC फ्यूज़ बॉक्स है दोस्तों, इसमें 10 से 12 फ्यूज़ लगे हैं दोस्तों, 12 फ्यूज़ हैं दोस्तों। ये फ्यूज़ हर एक अलग अलग के लिए है दोस्तों, एक फ्यूज़ इसके इंडिकेटर स्विच के लिए है, एक हेडलैम्प के लिए, वाइफर के लिए है, कॉइल के लिए है, BMS के लिए है, इस तरह से हर एक अलग अलग स्विच हैं दोस्तों। और जो इसके स्विच बॉक्स का जो डिब्बा होता है दोस्तों ऊपर का, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कौन सा फ्यूज़ कितने एम्पेयर का है, कितने वोल्टेज का है और किस लिए काम में आता है। आप देख सकते हैं स्विच बॉक्स पर सारा कुछ मेंशन है। तो पहले आप इस तरह से करके देखिए, अगर इस तरह से जो बैटरी का सिंबल आता है गाड़ी में, आपकी गाड़ी आगे या पीछे नहीं जा रही है, जहाँ जहाँ का कहीं स्टॉप हो चुकी है, तो आप इस प्रॉब्लम में आएंगे, तो पहले इस तरह से आप करके देखिए दोस्तों, शायद आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा हुआ है जो BMS का फ्यूज़ है वो कितने एम्पेयर का है, और जो हेडलैम्प का फ्यूज़ है वो कितने एम्पेयर का है, कितने वोल्ट का है, सब कुछ सारा कुछ इस बॉक्स के ऊपर मेंशन है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने गाड़ी के तमाम फ्यूज़ों को चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है इस पर। तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से ठीक करना है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है। मुझे भी ये फर्स्ट टाइम आई थी प्रॉब्लम, जब से मैं गाड़ी लिया हूँ, तो मैं भी एक सोलर टेक्नीशियन हूँ, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को भी है इस बारे में।
कि पहले हमें इस गाड़ी में क्या चेक करना चाहिए, अगर हमसे नहीं बनता है तब हम इसको शोरूम को जो सर्विसिंग सेंटर है वहाँ पर लेके जा सकते हैं। किसी किसी का ऐसा होता है दोस्तों, शोरूम बहुत दूर होता है तो प्रॉब्लम आती है उस जगह पर जहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं है, तो आपको टोचन करके या किसी गाड़ी से ढकेल के लेके जाना पड़ता है आपको। तो उससे पहले ये करके देखिए, इस तरह से अगर आपका प्रॉब्लम आए तो शायद आपकी गाड़ी चालू हो जाए। आप देख सकते हैं जो फ्यूज़ हैं, जो ऊपर का फ्यूज़ है 15 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर के जो डीसी फ्यूज़ हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है, ये जो डीसी फ्यूज़ निकालने के लिए है दोस्तों, ये गाड़ी के साथ ही वायर से लगा हुआ आता है एक प्लास्टिक के साथ, जो डैशबोर्ड होता है हैंडल के नीचे आता है दोस्तों, जो कंपनी देती है। इसको फ्यूज़ में लगाकर इस तरह से फ्यूज़ निकाल सकते हैं इससे। अब मैं आगे दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं फ्यूज़ इसका किस तरह से निकालते हैं दोस्तों। नीचे से जो तीसरे नंबर का फ्यूज़ है उसको चेक कीजिए, और 3 नंबर का फ्यूज़ वो एक चेक कीजिए जिसमें एक BMS का है और एक बैटरी का है। आप देख सकते हैं इस तरह से फ्यूज़ होते हैं दोस्तों, जो DC फ्यूज़ हैं। ये 5 एम्पेयर DC का फ्यूज़ है दोस्तों। अगर ये फ्यूज़ शॉर्ट होता है तो आप इसके अंदर एक लाइन देख सकते हैं, जो S लाइन बनी हुई है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली सीधा है तो ये फ्यूज़ ठीक है, अगर कहीं से कट हुआ है तो इस फ्यूज़ को भी बदलना कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। आप वीडियो पूरी देखिए किस तरह से चेक करना है इसको। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी थी दोस्तों, शायद आपके साथ हो या ना हो, आप ये गाड़ी लिए हैं तो शायद कभी ना कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ये जो सिंबल हैं ये हर एक अलग अलग शो करते हैं दोस्तों, हर बार इसका डिस्प्ले में कभी सर्विस मार्क आ जाता है, कभी बैटरी का सिंबल कंटिन्यूसली रहता है, कभी सारे सिंबल एक साथ ऑन होते हैं इसके डिस्प्ले में। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम ही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी तो मैंने इसका सलूशन निकाल लिया दोस्तों, मुझको शोरूम तक जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। आप भी इस तरह करके देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो। अगर आपको कुछ भी इस गाड़ी के बारे में नॉलेज या समझ नहीं है तो प्लीज़ आप कुछ मत कीजिए, वरना आपकी वायरिंग वगैरह ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ आपको अगर जानकारी है इस बारे में तो ही इसको आगे आप चेक कीजिए, वरना मत कीजिए। आपका शोरूम कितनी भी दूर हो तो गाड़ी को पूरा आप टोचन करके लेके जाके शोरूम को ही दिखाइए किसी अच्छे टेक्नीशियन को, क्योंकि ये गाड़ी बहुत महंगी है दोस्तों। अगर वायरिंग वगैरह जल गई तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो ही आप कीजिए। देखिए इस तरह से फ्यूज़ निकाल कर इस तरह से बिठाते हैं इस फ्यूज़ को। मैंने इस फ्यूज़ को निकाल कर चेक किया तो ये फ्यूज़ कहीं से भी शॉर्ट या कटा हुआ नहीं था, जला हुआ नहीं था। तो इसको मैंने वापस से लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं आगे सारे फ्यूज़ों को देखिए आप इसी तरह से चेक करके, जो फर्स्ट में है F1 से लेकर नीचे तक सारे फ्यूज़ देखिए, जो ज़रूरी फ्यूज़ हैं इसमें BMS का, बैटरी का, कॉइल का, उसमें सारा कुछ मेंशन है बॉक्स के ऊपर। तो आप देख कर ही चेक कीजिए कौन सा फ्यूज़ किस काम का है। और इसके बॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं कंपनी आपको 6 फ्यूज़ देती है, जिसमें से एक 10 एम्पेयर का होता है, 15 एम्पेयर का, एक 3 एम्पेयर का और 3 5 एम्पेयर के DC फ्यूज़ देती है दोस्तों। आप बॉक्स में देख सकते हैं इसके, शायद आपको ये पता नहीं था, आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें 6 फ्यूज़ जो है एक्स्ट्रा कंपनी देती है, ताकि अगर आपके फ्यूज़ कहीं पर भी ख़राब होते हैं या शॉर्ट होते हैं तो आप जिस तरह मैंने बताया क्लिप से निकाल कर आप उसको बदल सकते हैं फ्यूज़ को। जो फ्यूज़ जैसा है वैसे ही बिठाना चाहिए दोस्तों, फिर आप 2-3 फ्यूज़ एक साथ निकाल कर, अगर आप बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएंगे तो आप 10 की जगह 3 का लगाएंगे, 3 की जगह 15 का लगाएंगे, तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ आप पहले फ्यूज़ों की फ़ोटो काढ़िए कि फ्यूज़ कौन सा कितने एम्पेयर का कहां पर था, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये फ्यूज़ 10 एम्पेयर का है, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, वो भी अगर कट हुआ तो बीच में से शॉर्ट बताएगा या वायर कट होगी उसके अंदर से। इस तरह से आप फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं दोस्तों।
आप देख सकते हैं ये जो 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है दोस्तों, जो 5 एम्पेयर का है, डीसी फ्यूज़ बोलते हैं इसको। इसमें साफ साफ लिखा है सारे फ्यूज़ों पर कितने एम्पेयर के हैं और कहाँ बैठना है, वो बॉक्स में लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आपको अगर समझ ना आए तो पहले उसकी एक फ़ोटो काट लीजिए मोबाइल में, जो भी फ्यूज़ काटेंगे अगर वो अच्छा है तो वहीं पर आप लगाना, दूसरे जगह मत लगाइए, वरना एम्पेयर और करंट मिसमैच हो जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके वोल्टेज और एम्पेयर अगर मिसमैच हो गए तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ अगर आप कुछ नॉलेज थोड़ा बहुत है तो ही ये करके देखिए, वरना आप शोरूम को लेके जा सकते हैं, कुछ भी हो जाए, वरना आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो ही ये काम कीजिए, वरना आप शोरूम को लेके जा सकते हैं। इसके जो फ्यूज़ का बॉक्स होता है, इस पर सारा कुछ लिखा है कि कौन सा फ्यूज़ कहाँ पे लगता है, कौन सा फ्यूज़ किस काम में आता है, इस तरह से फ्यूज़ होते हैं। तो मैंने निकाल कर सारे फ्यूज़ चेक किए थे दोस्तों, मेरे फ्यूज़ सारे ठीक थे, मगर प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि हम जब भी गाड़ी धोते हैं या गाड़ी जंप में वगैरह में गिरती है, जब रनिंग होती है गाड़ी, ऑटो कहीं पे जंप में गिरते हैं या झटका लगता है, तो इसके फ्यूज़ ढीले होते हैं। अगर इसमें अगर पानी वगैरह चला जाए तो कार्बन आके स्टकनेस आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि इन फ्यूज़ों को जो मैं निकाल कर वापस से रीफिटिंग किया, तो उसमें मुझे पता लगा कि कार्बन आया था कुछ फ्यूज़ में, तो मैंने उसको साफ करके वापस से रीफिटिंग कर दिया इस क्लिप की मदद से, आप देख सकते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैंने जब इंडिकेटर स्विच इंडिकेटर जब ऑन किया तब तो ये डिस्प्ले में जो शो कर रहा था वो चला गया दोस्तों। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम फ्यूज़ का है तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियो लाने के लिए आपके साथ। दोस्तों अगर फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, इस गाड़ी की जानकारी आपको देता रहूंगा हमेशा इस तरह से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।